नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव है। आपको बता दें जो तीसरे चरण और आखिरी चरण का जो मतदान है वो जारी हो चुका है। बिहार के 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग है जारी है। इस बीच प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा में वोटिंग करने पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बिहार को मुक्ति नहीं मिलेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में दो ही तरीके से चुनाव होते हैं, पहला तो पैसे के बल पे और जो दूसरा है वो जातीय आधार पर चुनाव होता है। साथ ही साथ जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा उनके रोड मैप को लेकर, क्या बिहार की जनता का समर्थन मिल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि मेरे रोड मैप को लेकर बिहार का पूरा समर्थन मिल रहा है, बिहार की जो जनता है वो पूरा समर्थन कर रही है, इस बार के चुनाव में हम जीतेंगे भी। विशेष क्या कुछ कहा पुष्पम प्रिया चौधरी ने, आप खुद सुनिए। पहले भी कहा था आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे, यही सोच के वोट किया है। नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है। और जहाँ तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव, तो यही ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव, आप अपने लिए क्या देख रही हैं चुनाव? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए यह ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में, जितने भी आपने कैंडिडेट करे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है, वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम। क्या गठबंधन